आज के इस वीडियो में हम बीएससी सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक के लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है डी ब्लॉक एलिमेंट। और इसमें ये पूछ लिया जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं और इसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स लिखिए। तो स्टार्ट करते हैं। वह एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से पेनल्टीमेट शेल के डी सब शेल में एंटर करता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d1ns2 से n-1d10ns2 होता है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4s2 ना होकर 3d5s1 होता है। जब आप 3D या 4D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो कैडमियम, जिंक, मर्क्यूरी जो होते हैं उनमें तो डी ब्लॉक एलिमेंट फुलफिल होते हैं, लेकिन ये क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3D4 4s2 ना होकर 3D5 4s1 होता है। अब हम इसमें लिखेंगे डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट के जो गुण हैं वो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के मध्य होते हैं, अर्थात इनके गुण रिएक्टिव मेटलिक एस ब्लॉक एलिमेंट के आयोनिक कंपाउंड व पी ब्लॉक एलिमेंट के कोवेलेंट कंपाउंड के मिडल ट्रांजिशन करते हैं, इसलिए इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने नोट डालकर कुछ लिखा है, देखिए डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। क्यों, कौन कौन से हैं? वो हैं जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। इसमें क्या होता है, n-1 सबशेल कंप्लीट भरा होता है, बट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के गुण को छोड़कर अन्य सभी गुण ट्रांजिशन एलिमेंट के समान होने के कारण इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ रखा गया। इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो n-1 सब शेल है वो इनकम्प्लीट फिल होनी चाहिए, उसमें मतलब फुल नहीं होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें n-1 सब शेल कम्प्लीटली फिल होती है, इसलिए ये जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट में रखा गया है क्योंकि इनके जो गुण हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट के समान होते हैं। और यह सबसे हल्का ट्रांजिशन एलिमेंट स्कैंडियम व सबसे भारी लोरेंशियम होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। और सबसे अधिक यूज होने वाला ट्रांजिशन एलिमेंट आयरन होता है। अब हम इसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पहली है मेटेलिक करेक्टर। सभी ट्रांजिशन एलिमेंट की नेचर मेटेलिक होती है, मतलब जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो मेटल होते हैं। इनमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की नेचर इनकम्प्लीट डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल होने के कारण होती है। अब देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट डी ब्लॉक के एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। अब रीजन दे देंगे, क्योंकि इसमें सभी कोवेलेंट एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल होते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट प्राय 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पर मेल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट के बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होते हैं क्योंकि इनके एटम्स आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। अब देखते हैं और तीसरी प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं क्योंकि इन एलिमेंट के आउटर मोस्ट टू सेल जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। एग्जांपल देखेंगे, आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर फेरस कंपाउंड में +2 एंड फेरिक कंपाउंड में +3 होती है। डी ब्लॉक एलिमेंट की सर्वाधिक हाई ऑक्सीडेशन 8 है, सबसे ज्यादा इसमें 8 पाई जाती है, जो कि ऑस्मियम अपने कंपाउंड OsO4 में दिखाता है, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम 4 देखते हैं, 4 प्रॉपर्टी क्या है, वो है हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ट्रांजिशन मेटल्स आयन में कॉम्प्लेक्स आयन बनाने की नेचर अधिक होती है। यह कॉम्प्लेक्स ऐसे एटम या आयन के साथ कंपाउंड बनाते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर देने की क्षमता रखते हों।
मतलब कॉम्प्लेक्स बनाने की उन्हीं एलिमेंट में टेंडेंसी होगी जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की क्षमता रखते हों। इन एलिमेंट के कॉम्प्लेक्स बनाने के नीचे निम्न कारणों से है, कौन कौन से कारण होने चाहिए। पहला है, इन एलिमेंट में वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं जो कि लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। फिर है ट्रांजिशन एलिमेंट का न्यूक्लियर चार्ज हाई एंड साइज स्मॉल होता है, जिसके कारण ये लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर बॉन्ड बना लेते हैं। एग्जाम्पल दे देंगे, कोबाल्ट अमोनिया के साथ हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड कॉम्प्लेक्स आयन COnH3 का होल 6 और इस पे चार्ज है +3 बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स है जो कि कोबाल्ट अमोनिया के साथ हेक्सामाइन कोबाल्ट बनाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सबस्टेंस 3 टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, यह सब्सटेंस जो है वो 3 टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। पहला है पैरामैग्नेटिक, दूसरा डायमैग्नेटिक, तीसरा फेरोमैग्नेटिक। अब इनकी डेफिनेशन जो है वो हम नहीं लिखेंगे, हम इसके फॉर्मूले लिखेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट में मैग्नेटिक मोमेंट में एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन पर डिपेंड करता है। ट्रांजिशन एलिमेंट में जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन के स्पिन पर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक मोमेंट को निम्न फॉर्मूला द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। ये फॉर्मूला है μ√nn+2 और ये इसकी यूनिट है बोर मैग्नेटॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है, मैग्नेटिक मोमेंट की भी संख्या उतनी ही अधिक होती है। कंपाउंड के मैग्नेटिक मोमेंट मेटल के आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात की जाती है। अब इसमें एग्जाम्पल देंगे, जैसे आयरन है, आयरन पर +3 है, तो हमें इसमें बताना है कि इसकी मैग्नेटिक मोमेंट बतानी है। तो आयरन का पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, लास्ट के नंबर 3d6 4s2। अब इसमें +3 चार्ज है तो हम +3 निकाल देंगे, 2 हम s में से निकाल देंगे, 1 हम d में से निकाल देंगे, तो ये 5 हो जाएगा 3d5 और 4s00, s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अब हम देखते हैं यहाँ पर 3d में 5 थे तो हम फिल कर देंगे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। अब हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n जो n की वैल्यू होती है जो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने हैं 5 है, 5 लिख दिए μs। अब हमने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमने 5 5 + 2 7 हो गई, फिर 5 × 7 = 35 और √35 की वैल्यू ये होती है, तो ये हमारी μs निकल गई। इसी प्रकार से हमें कोई सा भी क्वेश्चन दे दे तो आप इसी फॉर्मूले में रखकर वैल्यू निकाल लेंगे। बस हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारी n की वैल्यू होती है। अब देखते हैं 6 एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई। डी ब्लॉक के एलिमेंट में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक रेडाई कम हो जाती है। रीजन देंगे, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ता है जिससे रेडाई कम हो जाती है। इन प्रॉपर्टी हम देखते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी। अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन या इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल की वजह से ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होने की वजह से ये इजीली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं एंड इजीली एमिट कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल देंगे, आयरन प्लस मोलिब्डेनम हैबर प्रोसेस में अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो है आयरन और मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट का वर्क करते हैं, किसमें, हैबर प्रोसेस में, जो कि अमोनिया का फॉर्मेशन होता है हैबर प्रोसेस में। दूसरा एग्जांपल दे देंगे हम निकल का, निकल भी कैटलिस्ट का वर्क करता है, किसमें, रिडक्शन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी इथीन को इथेन बनाने में निकल कैटलिस्ट का वर्क करता है। अब 8 एंड लास्ट हेडिंग है एटॉमिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी। डी ब्लॉक एलिमेंट में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे एटॉमिक डेंसिटी भी बढ़ने लगती है, जबकि एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ वॉल्यूम कम हो जाती है। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।